पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 शराब तस्कर को हथियार कारतूस शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर से 50 लाख रुपए कैश बरामद भी किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में विशेष पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करजा थाना क्षेत्र के रसूलपुर इलाके में शराब धंधेबाजों के ठिकाने पर छापेमारी कर 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान ठिकाने से 50 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, 1 राइफल और 3 मैगजीन के साथ 26 लीटर शराब बरामद किया है। SSP जयंतकांत ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि करजा थाना इलाके में शराब माफिया द्वारा शराब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। CTSP के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी कर 4 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। माफिया कई बार जेल भी जा चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। तो ये बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, आपको बताते चले कि शराब माफिया के घर से तकरीबन 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई है मुजफ्फरपुर पुलिस की। और आपको बताते चले कि तेज तरार SSP जयंत कांत के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके वो सूचना मिली थी और इस पर एक टीम बनाई गई है। टीम के द्वारा छापेमारी की गई जिस पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि ये शराब माफिया कई बार जेल भी जा चुके हैं, जिनके यहाँ आज 50 लाख की बरामदगी की गई है, कैश रुपए की बरामदगी की गई है। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी सफलता के बाद से SSP जयंत कांत ने प्रेस वार्ता किया और मीडिया को तमाम तरह की जानकारी दी कि कैसे ये धंधेबाज शराब के धंधे में लिप्त थे और कितने दिनों से शराब का गोरख धंधा किया करते थे और आखिरकार ये 50 लाख रुपए कहाँ से आए थे, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जो हथियार का भी इस्तेमाल करते थे ताकि इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर सके, अवैध शराब कारोबार के, तो उसके लिए भी इन्होंने रखा हुआ था। पूर्व का भी कोई आपराधिक इतिहास होता है? जी, पूर्व का रहा है। पूर्व में इसमें लोग जेल गए भी हुए हैं, शराब के केसेस में भी जेल गए हुए हैं और इसमें और भी बहुत से नाम हैं, बड़ा ग्रुप है जिसमें से जिनके नाम बताए जा रहे हैं वो लोग भी जेल गए हैं। उन लोगों के ऊपर हम लोग इंटरस्टेट लिंक है, बाहर से शराब मंगाई जाती थी और इसको नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। आने वाले जो फेस्टिवल होली है उसकी तैयारी में ये लोग इस तरीके का कारोबार कर रहे हैं। शराब माफियाओं के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर पुलिस को अहम सफलता मिली है। CTSP मुजफ्फरपुर को सूचना मिली कि कुछ शराब माफिया करजा थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़े शराब के कारोबार में शराब के डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इस मामले में CTSP मुजफ्फरपुर, DSP सरैया, SHO करजा और ALTF की टीम के सदस्यों ने मौका वारदात पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो 2 देसी पिस्टल, 1 राइफल, 50 लाख रुपए और अन्य सामान बरामद हुआ। इसके अलावा 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता शराब के कारोबार से बताई है और जो इनके पास से जो पैसे मिले हैं वो उन्होंने डिफरेंट जगहों से इकट्ठा करके आगे शराब माफिया को देने वाले थे। सिंडिकेट का रुपया है या फिर सर पर्सनल? ये सिंडिकेट का रुपया है जो इन्होंने अभी तक बताया है। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, चारों का पूर्व में भी ये लोग जेल जा चुके हैं, शराब के ही संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसमें ये लोग इस तरीके का कारोबार करते हैं और इसमें आगे हम लोग इंट्रोगेशन सरगना का कुछ अंदाजा? ये इस तरीके से कुछ सरगना का वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये लोग का जो तार है वो बिहार के बाहर से भी जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जिसको ये लोग चेक के माध्यम से या बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे देते थे। और इसके अलावा जो यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है उसके बारे में भी हम लोग रेड कर रहे हैं। महिला के नाम से चेक? घर की ही महिला है और लोगों के नाम पर, अपने नाम पर बेनामी अकाउंट्स बना करके भी इस तरीके का कारोबार किया जाता है, तो उसको हम लोग कैसे ट्रैप किए हैं, थोड़ा सा अगर होता डिटेल तो। जी, ट्रैपिंग का जो किस तरीके से ये पकड़ में आए? ये लोगों का लगातार हम लोग जिस तरीके से कर रहे थे, लगातार इनके ऊपर सूचनाएं मिल रही थी, इंटेलिजेंस था और जो एक अभियान चल रहा था उसी में हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार रुपए घर से बरामद किए हैं? ये रुपए जो है इन्हीं लोगों के पास से बरामद हुए हैं और इसके अलावा शराब भी मिली है और इलीगल वेपन्स मिले हैं, 2 जिसमें पिस्टल है और 1 देसी राइफल है और इस बारे में भी हम लोग पूछताछ करेंगे। शराब कारोबार के अलावा की अन्य कोई अपराध भी? मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर, 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCOM का न्यू बैच स्टार्ट।
जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े है या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था, एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता: रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994999। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम है सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टेक्ट नंबर 7256963795। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है MO कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। MO लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, चार अलग अलग मॉडलों में, नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर पे MO की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। RM पब्लिक स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, admission open for class nursery to 9th, session 2021-22, Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Sivan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours, contact number 9199-31333. Next 7870-868765. Bachpan Play School, classes PG2 standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा। Hurry up, admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Sivan. Helpline number 9931814831 and 8969727300. Sangmitra Public School, affiliated to CBSE up to 12th. Kanisk Bihar, Mairwa Road, Sivan. नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ।
विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संगमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मयूरबा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, और आप सबको मेरा आदाब। मैं हूँ अपरा मेहता। भाई, स्मार्ट हो गया आजकल की पढ़ाई का तरीका। अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपके बेटे को भी वही करना चाहिए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने ने हमारे बच्चों की पढ़ाई को भी कर दिया है अपग्रेड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिवान के नंबर 1 स्कूल डॉन बॉस्को हाई स्कूल, जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि मॉडर्न और इंटरेस्टिंग तरीकों से बच्चों को नॉलेजेबल बनाया जाता है, जिसकी वजह से जिंदगी की आगे की दौड़ में बच्चा अपनी मंजिल खुद तलाश कर सके। साथ ही आपके बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल हर तरह के स्किल को डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और जिंदगी की रेस में वो रह सकता है सबसे आगे। अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने चुना है डॉन बॉस्को हाई स्कूल, संपूर्ण विकास और प्रगतिशील सोच वाला शहर का एकमात्र स्कूल। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए यही है बेस्ट, इसीलिए आज ही विजिट कीजिए डॉन बॉस्को हाई स्कूल या फिर लॉग ऑन टू www.dbhs.edu.in। इमानुअल मिशन हाई स्कूल, कॉन्टेक्ट नंबर 7070640653 एंड 7717786 एंड इमानुअल कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्टेक्ट नंबर 8909836936 एंड 9934074756, द ट्रस्टेड नेम फॉर क्वालिटी एजुकेशन सिंस 1986। एडमिशन ओपन अप टू स्टैंडर्ड 8, 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Sivan. Jeba Hospital and Maternity Center, JR Memorial Trust द्वारा संचालित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती जेबा परवीन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सी अहमद द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का निःशुल्क जांच किया जाता है। दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। जीवा हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, बिंदुसार, बुजुर्ग रोग, डॉक्टर रामजी चौधरी के पश्चिम, सिवान। मोबाइल नंबर 9934622735, 9546426744।